लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनावी रणनीति बनाने को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इस कड़ी में लखनऊ में पार्टी कार्यालय में महिला सभा की अहम बैठक हुई, जिसमें 2024 में जीत का लक्ष्य तय किया गया। इस बैठक में एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव और महिला सभा की अध्यक्ष जूही सिंह मौजूद रहीं। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर पीडीए इंडिया के साथ मिलकर बीजेपी और एनडीए को हराएगा। अखिलेश ने कहा कि बुलडोजर की दहशत महिलाओं में सबसे ज्यादा है। देश की आधी आबादी को हक और सम्मान देना जरूरी है। समाजवादी महिला संगठन समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान महिलाओं के लिए किए गए कार्यों को जनता के बीच लेकर जाएगा। महिला सभा का कार्यक्रम हो रहा है। पिछले कई घंटों से पदाधिकारियों ने और महिला संगठन की हमारी सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिला है। इधर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है 2024, समाजवादी महिला संगठन पूरी ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेगा। जब समाजवादी पार्टी ने नारा पीडीए का दिया है तो ये नारा तभी पूरा होता है जब इसमें आधी आबादी की भागीदारी हो। अखिलेश यादव ने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश में अगर कहीं महिला असुरक्षित है तो उत्तर प्रदेश में। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां महिलाएं असुरक्षित हैं। अखिलेश ने मणिपुर की घटना पर बीजेपी को घेरते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो महिला वंदन की बात करते थे उनकी सरकार में महिला पहलवानों के साथ जिस तरह का अन्याय हुआ उसे पूरे देश ने देखा। सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है। उत्तर प्रदेश में एक भी सिटी स्मार्ट नहीं बन पाई। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। घर घर में बेरोजगार नौजवान बैठे हैं। महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता त्रस्त है। वही लगातार जो खबरें मिलती हैं और जो देश के आंकड़े बता रहे हैं, सबसे ज्यादा उत्पीड़न, अन्याय और असुरक्षित महिलाएं कहीं दिखाई दे रही तो उत्तर प्रदेश में है। और जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां सबसे ज्यादा माताएं बहनें असुरक्षित हैं। ये हमारी माताएं बहनें और संगठन के लोग, इन्हें मणिपुर याद है कि किस तरीके से वहां पर महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ व्यवहार हुआ है। दुनिया में कहीं भी इस तरह की घटना हुई होगी वहां की सरकारों ने कड़ी से कड़ी निंदा की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होने के बावजूद भी उन माताओं बहनों को जो न्याय मिल जाना चाहिए था न्याय में नहीं मिला। समाजवादी पार्टी के महिला संगठन को एसएमएस कहा जाता है। इसके अध्यक्ष जूही सिंह हैं। यूपी में महिला वोटर्स की आबादी करीब 7 करोड़ है। ऐसे में इस बड़े वोट बैंक को साधने के लिए सभी दल जुटे हैं। वहीं महिला आरक्षण बिल पास कर बीजेपी ने पहले ही बड़ा चुनावी दांव चल दिया है। अब देखना है कि 2024 में आधी आबादी का समर्थन किस पार्टी को मिलता है। चुनाव आज तक।